तो दोस्तों Realme 5 Pro के बाद अब कंपनी लॉन्च करने वाला है Realme XT को, जो कि लॉन्च होने वाला सितंबर के महीने में। तो गाइस जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपको इसमें मिलने वाला Snapdragon 730 का प्रोसेसर और आपको इसमें मिलने वाला वर्ल्ड का पहला 64 मेगापिक्सल वाला स्मार्टफोन, जहां आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलने वाला है। तो गाइस पूरा बात करेंगे इस वीडियो में इसी स्मार्टफोन के बारे में, पूरा स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, पूरा स्पेसिफिकेशन बताऊंगा। अगर आपको फोन के प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में जानना है तो उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए गाइस बात करते हैं इसी Realme XT के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे यहां पे हम लोग फोन के डिजाइन की। तो यहां पे आपको पॉलीकार्बोनेट वाली बॉडी मिलेगी और यहां पे आपको ग्लॉसी ग्रेडिएंट का फिनिशिंग मिलने वाला है। और गाइस यहां पे आपको बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में, तो यहां पे आपको मिलने वाला है 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड का स्क्रीन। यहां पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलने वाला है और आपको यहां पे मिलने वाली है पॉप आउट सेल्फी कैमरा। एक फुल व्यू डिस्प्ले आपको मिलने वाला है गाइस। अब यहां पे फटाफट से बात करते हैं फोन के प्रोसेसर के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया आपको इसमें मिलेगा स्नैपड्रैगन 730 का प्रोसेसर, जहां पे गेमिंग एक्सपीरियंस जो होने वाली है वो काफी अच्छी होने वाली है। और यहां पे ऐसी पॉसिबिलिटीज भी है गाइस कि आपको इसमें Realme का OS मिले, लेकिन उससे पहले आएगा कलर OS में और आपको मिलेगा एंड्रॉइड 9 पाई और उसके बाद ही अपडेट में आपको मिलेगा Realme का कस्टम OS। और ये आने वाला 6GB रैम वेरिएंट से स्टार्टिंग रैम वेरिएंट की बात कर रहा हूं और आगे तक आपको 8-10GB तक के भी रैम वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं। अब यहां पर बात करते हैं फोन के सबसे बड़े मेन यूएसपी के बारे में, मतलब इसके कैमरास के बारे में। तो यहां पे आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है और यहां पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाती है। 64 मेगापिक्सल वाले मेन कैमरा आपको मिल जाता है सैमसंग का GW1 का आईसो सेल वाला सेंसर। और यहां पे आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी मिल जाता है, 5 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस भी मिल जाता है और आपको 2 मेगापिक्सल का गाइस यहां पे मिल जाता है एक TOF सेंसर, या फिर आप बोल सकते हो यहां पे आपको सुपर मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। तो अभी यहां पर अगर बात करें सेल्फी के बारे में, तो यहां पे आपको बेशक मिलने वाली 20 मेगापिक्सल या फिर 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जिसमें कि आपको सोनी का सेंसर मिलने वाला है गाइस। तो अब यहां पे बात करते हैं फोन के बैटरी कंपार्टमेंट के बारे में। तो यहां पे आपको 4065 mAh की बैटरी मिल सकती है और यहां पे सुपर वूक चार्जिंग 3.0 का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। टाइप सी का पोर्ट तो होगा ही, साथ ही आपको 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाएगा गाइस। तो बस गाइस ये तो कुछ कंफर्मेशन जो कि मैंने आपको फटाफट से बता दिया। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ही लेना आपको गाइस। लेकिन यहां पर फाइनली बात करते हैं फोन के प्राइसिंग के बारे में। तो गाइस इसका जो प्राइस होने वाला है ऐसा बताया जा रहा है 20,000 के नीचे सबसे बेस्ट फोन होने वाला है, क्योंकि आपको इसमें मिलने वाला स्नैपड्रैगन 730 का प्रोसेसर, क्वाड कैमरा सेटअप मिलने वाली है और एक आपको फुल व्यू पॉप आउट सेल्फी कैमरा मिलने वाली है। इसका जो प्राइस होने वाला है बेशक आपको 17-19 के आसपास में देखने को मिलेगा। और रही बात लॉन्च डेट के बारे में, तो जैसा कि मैंने बताया सितंबर के महीने में लॉन्च होने वाला है। तो बस गाइस आज की इस वीडियो में बस इतने। अगर वीडियो पसंद है जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो पसंद आई तो मैं फिर से बोल रहा हूँ लाइक कर देना गाइस, और हो सके तो शेयर कर देना। तो मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। टेक केयर गाइस, गुड बाय।